नमस्कार दोस्तों, 1 फरवरी 2022 को आम बजट पेश होने वाला है। सबकी निगाहें बसी हुई है कि इस आम बजट में रेलवे का किराया क्या बढ़ेगा, क्या पहले का किराया रहेगा। तो इसी पर आज के वीडियो में हम बात करें। आपको हम बता दें कि 26,000 करोड़ के घाटा में रेलवे चल रहा है, इसीलिए सबके मन में सवाल बना हुआ है कि क्या रेलवे जो है किराया में बढ़ोतरी करेगा। तो कुछ विशेषज्ञों के माने तो रेलवे जो है किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि कोरोना के मार से जो है काफ़ी लोग जो है परेशान हैं, और इसमें अगर जो है किराया में बढ़ोतरी होती है तो यात्रियों को और परेशानी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे जो है किराया नहीं बढ़ाएगा। दूसरी उम्मीद की बात करें तो एल्युमिनियम से बनी 10 हल्की ट्रेनों को जो है बनाने का ऐलान कर सकता है रेलवे। आपको बता दें कि अभी जो ट्रेनें इंडिया में चलती हैं या बनती हैं वह लोहा की बनती हैं, जो काफ़ी भारी भरकम होती हैं। तो रेलवे जो है 10 हल्की ट्रेनों का जो है मांग कर रहा है, तो हो सकता है कि इस आम बजट में जो है इसका मंजूरी मिल जाए। तो ये भी देखने वाला विषय है, हालांकि उम्मीद पूरी लगा हुआ है। तीसरी उम्मीद की अगर हम बात करें तो 10 से 15 नई ट्रेन की शुरुआत करने की उम्मीद लगाया जा रहा है, हालांकि ज़रूरी है। कई जगह से जो है राजधानी तेजस एक्सप्रेस की जो है मांग चल रही है, तो कौन से रूट पर इन ट्रेनों को जो है चलाया जाएगा हालांकि यह साफ नहीं हुआ, हालांकि उम्मीदें लगाई जा रही हैं। चौथी उम्मीद की अगर हम बात करें तो 500 रेलवे स्टेशन को दोबारा नए सिरे से बनाए जाएंगे, यानी पुनः विकास किया जाएगा। रेलवे पहले से भी जो है इसका प्लान बना रहा है, तो इस आम बजट में जो है इसकी भी जो है मंजूरी मिल जाएगी, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। पांचवी उम्मीद की अगर हम बात करें तो देश की दूसरा बुलेट ट्रेन जो है मिल सकता है। इस बुलेट ट्रेन की अगर स्पीड की बात करें तो 500 किलोमीटर पर घंटा हो सकता है। छठी उम्मीद की अगर हम बात करें तो पहली बार हाइपर लूप ट्रेन का अनाउंसमेंट हो सकता है। यह ट्रेन हवाई जहाज़ की रफ्तार से चलती है, 1200 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से इसका स्पीड है, तो इसका भी अनाउंसमेंट होने की उम्मीद जताई जा रही है। सातवीं उम्मीद की अगर हम बात करें तो रेलवे का बहुत बड़ा प्लान है कि जो ट्रैक है उसको तेज गति वाला ट्रैक बनाया जाए, तो इसका भी अनाउंसमेंट हो सकता है। चूँकि तेज गति का ट्रैक बनेगा तो ट्रेनें तेज गति से चलेंगी। आठवीं उम्मीद की अगर हम बात करें तो रेलवे 2030 तक 100% ग्रीन रेलवे का घोषणा कर सकता है। इसे जो है बिजली और डीजल पर निर्भरता जो है घटेगी, बिजली जो है सौर ऊर्जा से बनेगी और पवन ऊर्जा से, तो इसे जो है देश को इकोनॉमी में ज़्यादा फायदा होगा। तो आप ही क्या राय हमें कमेंट करके जरूर।